हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्ज़ाम के सिलेबस को कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। एक बार आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए सारे सिलेबस के नेट प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन में आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ें। तो फर्स्ट में लिखा है कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस, फूड साइंटिस्ट की इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, फूड एट्रीब्यूट्स इनका क्या रोल है ये बताने में कि हमारा फूड प्रोडक्ट स्पॉयल हो चुका है या फिर फ्रेश है। अगला टॉपिक आता है कि फूड स्पॉयलेज क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे फूड स्पॉयल होता है, फूड बॉर्न इलनेस क्या है, वाटर एक्टिविटी का क्या रोल है फूड स्पॉयलेज होने से, और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं वो कैसे स्पॉयल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सारा फूड माइक्रोबायोलॉजी MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट सेम में कवर किया हुआ है। आगे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, आगे मैंने सारा रीड आउट किया है, जैसे कि पाश्चराइजेशन, कैनिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, बैक्टीरियोफ्यूगेशन, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ये जो सारे सारे के सारे फर्स्ट यूनिट में मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के, ये आपने MSc फूड साइंस में फर्स्ट सेम में कवर किए हुए हैं सारे के सारे मेथड। तो इसका सम अप करें तो ये यूनिट वन है, इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड प्रिजर्वेशन, जिनको आपने अच्छे से पढ़ना होगा। हर एक जो हमारा ये मेथड है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। दूसरी यूनिट आती है टेक्नोलॉजी ऑफ फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, मतलब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आता है, जो फूड्स को पोस्ट हार्वेस्ट करने से जो कौन कौन से इफेक्ट पड़ता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग से पहले कौन कौन से चेंजेस आते हैं, बाद में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसके बाद इसमें काफ़ी कुछ है कि जेली, मार्मलेड्स, प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स, चटनी, सॉस, इन सबको कैसे बनाया जाता है, जूस, प्योरी, टमाटो प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोकोआ प्रोडक्ट्स, बीवरेजेस, सारे के सारे आपने इसमें कवर करने हैं। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो MSc फूड साइंस के फोर्थ सेमेस्टर में सारा का सारा आपको कवर करवाया गया होगा आपकी MSc में, और BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। फूड ग्रेन प्रोसेसिंग, इसको मैंने पढ़ लिया है अच्छे से कि कौन कौन से क्या क्या टॉपिक्स हैं। फूड ग्रेन प्रोसेसिंग में वीट, राइस, बार्ले, ओट्स, मेज, मिलेट्स, कॉर्न, स्टार्च, कॉर्नफ्लैक्स और राइस, पर बॉयल्ड राइस, उनकी रियोलॉजी, उन इन सब के जितने मैंने बोले अभी मिलेट्स, उनकी रियोलॉजी, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी वेट मिलिंग, उनकी ड्राई मिलिंग, ठीक है, उनके बारे में सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है, उनके एंजाइम्स, ये सारा जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। अगर MSc फूड साइंस में सीरियल एंड मिलेट्स आपको एक सब्जेक्ट होगा जिसमें ये सारा आपको कवर करवाया होगा आपके टीचर्स ने। इसका सेकंड पार्ट जो आता है, इसमें आता है कि जो ऑयल सीड जिन सीड्स में हमें ऑयल्स मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल कैसे बनता है, ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे, पैसे वैसे तो पहले जो मस्टर्ड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मस्टर्ड प्रोड्यूस हो के उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, फिर बाद में उसका जो रेजिड्यू बचता है और ऑयल बचता है, जो ऑयल तो वो मस्टर्ड ऑयल कहलाता है, जो रेजिड्यू होता है वो एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो वो सारे के सारे बहुत टाइप के जो ऑयल सीड हैं उनके बारे में ये सारी बातें पढ़ी जाएंगी, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड रेजिड्यू वगैरह, ठीक है, तो उनकी ऑयल्स की कंपोजिशन, बाकी सारा पार्ट इसमें यही ऑयल सीड के बारे में है। सेकंड यूनिट 3 में टेक्नोलॉजी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क
और मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, घी, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेट मिल्क, होल एंड स्किम्ड मिल्क, आइसक्रीम, बटर ऑयल, खोआ, चना, पनीर एंड मैनी मोर, तो उन सब के बारे में आप प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग एंड उनकी जो प्रोडक्ट कैसे बना, क्या उसकी कंपोजिशन है, क्या उसकी शेल्फ लाइफ है, कैसे आप उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, जो कि आपको एमएससी फूड साइंस के फोर्थ सेमेस्टर में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नेट का सिलेबस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो आपने अभी अभी देखा कि कितना सारा सिलेबस है जो एमएससी में अवेलेबल हो गया। टेक्नोलॉजी ऑफ मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, सारे के सारे मीट और फिश सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनकी कंपोजिशन आ जाएगी, उनका स्लॉटरिंग प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी। ये भी आपको बता दूंगी, ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट है वो आपको एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी आपको बहुत ईजी लगेगा। एग, इसमें सब कुछ आ जाएगा, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सब क्योरिंग, स्मोकिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, इनके अलग अलग मेथड्स हैं जो क्वालिटी को, मीट की क्वालिटी को जो है फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो अगला है फोर्थ यूनिट, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपको मैं बता दूं पहले कि एमएससी फूड साइंस के थर्ड सेमेस्टर में फूड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी आपको इजी लगेगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फूड इंजीनियरिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसमें क्या है कि फूड जब किसी इंडस्ट्री में जाता है, ठीक है, रॉ फूड गया इंडस्ट्री में, कैसे वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग, साइज रिडक्शन, सारी एनर्जी बैलेंसेस, प्रॉपर्टीज, प्रोसीजर्स, सारे के सारे क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, कैसे, ये सारी फूड इंजीनियरिंग आपको सेकेंड सेमेस्टर में एमएससी फूड साइंस में आपके टीचर्स ने सिलेबस में करवाई होगी, फूड इंजीनियरिंग। अगला आता है फूड पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब है कि फूड का जो जैसे कि कुरकुरे का पैकेट होता है ऊपर से, ठीक है, उस अब जैसे हम उसी की एग्जांपल ले लें, जो वो पैकेट है वो मॉइस्चर फ्री है, मतलब कि कुछ भी चीज़ है जो अंदर एंट्री नहीं कर पाता। क्या क्या अब कुरकुरे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर वो पहले तो हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो मॉइस्चर गेन कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तभी मॉइस्चर के तभी जो है उसका कलर चेंज हो जाता है कुरकुरे का, और फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो इसलिए पैकेजिंग की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो पैकेजिंग के डिज़ाइन, फंक्शंस ऑफ कंटेनर एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये सारा लेबलिंग, ये सारा आपको एमएससी फूड साइंस में थर्ड सेम में अवेलेबल है। आगे आ गया फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये मैंने पढ़ा है यूनिट 6, इसमें से दो सब्जेक्ट निकल कर आते हैं, एक तो निकल के आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा निकल के आता है हमारे पास, तीन सब्जेक्ट निकल के आते हैं, ठीक है, तीन हो गए, हाँ, दूसरा आता है फूड एडिटिव्स, ठीक है, तीसरा आता है फूड बायोटेक्नोलॉजी। फूड जो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से आगे, हमारा ये आ गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, हेडल टेक्नोलॉजी रोल, हाँ बस इतना आ गया, माइक्रोबियल स्पॉयलेज आ गई, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट, एक आ गया बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं जैसे कि हमारा बियर, वाइन, ठीक है, रम, ब्रांडी, ये सारे फर्मेंटेड एनिमल और प्लांट बेस्ड काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, ये आपको सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ें तो, पढ़ा हुआ होगा अगर आपने तो आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम होगा। एंड थर्ड सब्जेक्ट आया फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स हम फूड में ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, जब प्रोसेसिंग के बाद, घर में बनाने के वक्त टाइम,
इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली फूड का फ्लेवर, कलर, अपियरेंस, शेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए वो फूड एडिक्टिव्स होते हैं। ये सब्जेक्ट भी आपको एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेकंड सम में मिला होगा। इसमें काफ़ी सारे फूड एडिक्टिव्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ये सब्जेक्ट आया है जो आपको एमएससी में नहीं है, फ्लेवर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। ये प्रॉपर और सारा का सारा सब्जेक्ट हमें नई बुक से करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है सब्जेक्ट में, मैंने पढ़ा हुआ है। कंज्यूमर साइंस एंड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हेल्थ फूड, ये और सेकेंड अब यही सब्जेक्ट लास्ट है। हम कंज्यूमर साइंस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स इसका लास्ट यूनिट 8 का लास्ट जो टॉपिक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं कि जो फूड है हमको, हम उसे यूज करते हैं एज अ मेडिसिन फूड को। तो जो फूड है वो क्योर कर देता है हमारी सारी डिजीज को, वो न्यूट्रास्यूटिकल फूड होता है। उस वो एक सब्जेक्ट है आपको एमएससी फूड साइंस में, इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा अगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ तो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सारा का सारा सिलेबस। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिट 8, यूनिट 7, टू ही यूनिट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। बाकी सारा सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है। बस आपको थोड़ी बहुत जो बातें हैं याद रखनी होंगी। तो लास्ट में वीडियो के आपको बताना चाहूँ कि ये सारा सिलेबस जो हमने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी डिस्कस किया, उस सारे सिलेबस की और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स की वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी। अगली वीडियो मेरी बुक्स पे होगी जो हमें इसके लिए चाहिए। अगर आपका पहले से ही बेस वीक है तो आप उन बुक्स में से, कौन कौन से बुक्स में से पढ़ के अपना नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अगली वीडियो में हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें इस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए। थैंक यू सो मच।